Welcome student to the another session of Strength of Material subject. Myself Mohammad Saad, and in today's session we will discuss about the combined direct and bending stress portion of the Strength of Material subject. Let's see load and eccentricity. सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं load and eccentricity के बारे में, जिसका एक बहुत बड़ा रोल रहेगा यहाँ पर कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस के पोर्शन के अंदर. सबसे पहले देख लेते हैं एक्सियल लोड. व्हेन अ लोड इज एक्टिंग अलोंग द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ कॉलम इट इज कॉल्ड एक्सियल लोड. इट प्रोड्यूसेस द कंप्रेसिव स्ट्रेस इन कॉलम. मतलब कि अगर कोई भी लोड जो आपका कॉलम है उसकी एक्सिस के ऊपर लग रहा है, मतलब कि उसकी लाइन में ही लग रहा है, तो उसको हम एक्सियल लोड बोलेंगे. और एक्सियल लोड हमेशा कंप्रेसिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है कॉलम के अंदर. उसके बाद देख लेते हैं एसेंट्रिक लोड. एसेंट्रिक लोड अ लोड हुज लाइन ऑफ एक्शन डज नॉट कोइंसाइड विद द एक्सिस ऑफ कॉलम इट इज कॉल्ड एसेंट्रिक लोड. इट प्रोड्यूसेस डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस इन द कॉलम. मतलब कि आपके जो कॉलम की एक्सिस है और जहां पर लोड अप्लाई हो रहा है, दोनों अगर एक ही एक्सिस पर नहीं आ रहे, दोनों कोइंसाइड नहीं हो रहे, कुछ ऑफसेट पर लोड लग रहा है, तो ऐसे लोड को हम बोलेंगे एसेंट्रिक लोड. और एसेंट्रिक लोड कॉलम के अंदर डायरेक्ट स्ट्रेस भी प्रोड्यूस करेगा और बेंडिंग स्ट्रेस भी प्रोड्यूस करेगा. उसके बाद देख लेते हैं एसेंट्रिसिटी, जिसको हम स्मॉल ई से डिनोट करते हैं. द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस बिटवीन द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ कॉलम एंड द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ लोड is called eccentricity. In axial loaded column, E is equal to 0. मतलब के जो horizontal distance है line of axis of load और आपके column की axis, दोनों के बीच का जो horizontal distance होगा उसको हम eccentricity बोलेंगे. और अगर आपका axial load apply हो रहा है तो eccentricity की value 0 हम consider करेंगे. उसके बाद हम देख लेते हैं limit of eccentricity. The maximum distance of load from the center of column such that if load acts within its distance, there is no tension in the column. मतलब जो limit of eccentricity है, वो load से maximum distance हम उसको consider करेंगे. Within the distance, अगर आप load apply करोगे, तो column के अंदर tension generate नहीं होगा. तो वो जो horizontal distance को हम limit of eccentricity बोलेंगे. The maximum distance is called limit of eccentricity. अब देख लेते हैं limit of eccentricity के बारे में. When a load is acting within eccentricity limit, sigma minimum will be compressive. मतलब कि अगर आपके कॉलम की एक्सिस से eccentricity limit के अंदर अगर लोड कहीं पे अप्लाई हो रहा है, तो sigma minimum will be compressive और उसकी साइन पॉजिटिव होगी. अगर लोड, व्हेन अ लोड इज एक्टिंग एट अ पॉइंट ऑफ एसेंट्रिक लिमिट, सिग्मा मिनिमम विल बी जीरो. मतलब कि जहां पर एसेंट्रिक लिमिट का पॉइंट है, वहां पर अगर लोड अप्लाई हो रहा है, तो आपकी सिग्मा मिनिमम जीरो होगा. व्हेन अ लोड इज एक्टिंग बियॉन्ड एसेंट्रिक लिमिट, सिग्मा मिनिमम विल बी टेंसाइल एंड ऑल्सो नेगेटिव. मतलब कि आपकी जो एसेंट्रिक लिमिट है उसके बाहर कहीं भी अगर लोड अप्लाई हो रहा है, तो आपका जो लोड होगा वो टेंसाइल होगा और कॉम्प्रेसिव भी होगा. उसके बाद देख लेते हैं व्हेन अ शॉर्ट कॉलम इज सब्जेक्टेड टू एक्सियल कॉम्प्रेसिव फोर्स ओनली डायरेक्ट स्ट्रेस व्हिच इज डिनोटेड बाय सिग्मा ओ इज प्रोड्यूस्ड इन द कॉलम. मतलब कि अगर कोई भी शॉर्ट कॉलम है उसके ऊपर एक्सियल कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा है, तो उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट स्ट्रेस ही अप्लाई होगा और बेंडिंग स्ट्रेस अप्लाई नहीं होगा. डायरेक्ट स्ट्रेस इज इक्वल टू सिग्मा ओ, जिसको हम सिग्मा ओ से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू पी अपॉन ए. पी जो हमारा डायरेक्ट कॉम्प्रेसिव फोर्स अप्लाई हो रहा है और ए क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके ऊपर ये कॉलम का क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसके ऊपर ये लोड अप्लाई हो रहा है. एसेंट्रिक लोड प्रोड्यूस बोथ डायरेक्ट स्ट्रेस जिसको हम सिग्मा ओ से डिनोट करते हैं एंड बेंडिंग स्ट्रेस जिसको हम सिग्मा बी से डिनोट करते हैं इन द कॉलम. मतलब कि एसेंट्रिक लोड है वो कॉलम के अंदर डायरेक्ट स्ट्रेस भी प्रोड्यूस करता है
और बेंडिंग स्ट्रेस भी प्रोड्यूस करता है। डायरेक्ट स्ट्रेस जैसे हमने इससे पहले देखा सिग्मा ओ इज इक्वल टू पी अपॉन ए, और जो बेंडिंग स्ट्रेस है जिसको हम सिग्मा बी से डिनोट करते हैं वो है हमारा एम अपॉन जेड। व्हेन अ कॉलम इज सब्जेक्टेड टू एसेंट्रिक लोड द एज ऑफ द कॉलम टुवर्ड्स द एसेंट्रिसिटी विल बी सब्जेक्टेड टू मैक्सिमम स्ट्रेस विच इज डिनोटेड बाय सिग्मा मैक्स एंड द ऑपोजिट एज विल बी सब्जेक्टेड टू मिनिमम स्ट्रेस। मतलब के एक कॉलम की एक्सिस जो सेंट्रल एक्सिस है वहां से एसेंट्रिक लोड सपोज राइट डायरेक्शन के अंदर अप्लाई हो रहा है एसेंट्रिक लोड, तो उसकी एज मतलब राइट साइड की जो कॉलम की एज होगी वहां पर जो स्ट्रेस होगा वो सिग्मा मैक्स कंसिडर्ड होगा, वहां पर मैक्सिमम स्ट्रेस अप्लाई होगा, और उसके ऑपोजिट साइड की एज मतलब कि जो लेफ्ट साइड की एज होगी वहां पर मिनिमम स्ट्रेस अप्लाई होगा जिसको हम सिग्मा मिनिमम से डिनोट करेंगे। स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन इन अ कॉलम एट द लोड पी मूव्स फ्रॉम सेंटर ऑफ द कॉलम टू द एज ऑफ द कॉलम एज शोन इन द फिगर। मतलब कि जो स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है अगर हम एक्सियल लोड से हम एसेंट्रिसिटी प्रोवाइड करेंगे जो सेंटर में लोड लग रहा है एक्सिस पर वहां से अगर हम लोड को टुवर्ड्स द एक्सिस मूव करवाएंगे, मतलब इन शॉर्ट के अगर हम एसेंट्रिक लोड प्रोवाइड करेंगे हम सेंटर से राइट हैंड साइड पर लोड को शिफ्ट कर रहे हैं तो उसके स्ट्रेस के बिहेवियर के अंदर कैसा चेंजेस होगा वो आपको यहां पर फिगर में दिखाई दे रहा है। सबसे पहली फिगर में बताया गया है कि एक एज कॉलम की ए है एक एज बी है और सेंट्रल जो एक्सिस है वहां पर लोड लग रहा है, यहां पर एक्सियल लोड अप्लाई हो रहा है, मतलब इन दिस केस बेंडिंग स्ट्रेस नहीं होगा। जो सेकंड फिगर यहां पर आपको दिखाई दे रही है उसके अंदर हम एक एसेंट्रिक पोजीशन, पहले हमने एक्सियल लोड अप्लाई किया, अब कुछ एसेंट्रिसिटी पर हमने कुछ ई डिस्टेंस के ऊपर हमने लोड को अप्लाई किया है, तो उस केस के अंदर जो पॉइंट जो एज बी है वहां पर हमको सिग्मा मैक्स मिल रहा है और जो एज ए है कॉलम की वहां पर हमको सिग्मा मिनिमम मिल रहा है। अब थर्ड फिगर क्या देखते हैं हम यहां पर, तो थर्ड फिगर के अंदर हमने वो एसेंट्रिक लिमिट जहां पर कंप्लीट होती है वहां पर हमने लोड अप्लाई किया है, तो इन दिस केस ऑल्सो हमको सिग्मा मैक्स मिल रहा है जो कि बी एज पर मिल रहा है और जो सिग्मा ए पर हमको स्ट्रेस नहीं मिल रहा है, सिग्मा मिनिमम इस केस के अंदर जीरो होगा। और जो लास्ट जो हमारा फिगर है फिगर नंबर फोर उसके अंदर हमने एसेंट्रिक लिमिट के बाहर एसेंट्रिक लोड अप्लाई किया है, तो उस केस के अंदर हमको सिग्मा मैक्स मिल रहा है और सिग्मा मिन मिल रहा है और दोनों का नेचर अलग अलग है, मतलब कि सिग्मा मैक्स जो है वो कंप्रेसिव लोड है और जो सिग्मा मिन है जो आपको यहाँ पर एक्सिस के ऊपर दिखाई दे रहा है वो टेंसाइल लोड होगा, इन दिस केस कॉलम का बेंडिंग भी होगा। अब हम देख लेते हैं कंबाइंड डायरेक्ट एंड बेंडिंग स्ट्रेस का एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं। अ 300 mm स्क्वायर कॉलम इज सब्जेक्टेड टू कंप्रेसिव फोर्स ऑफ 150 kN एट एन एसेंट्रिसिटी ऑफ 125 mm अलोंग एनी एक्सिस, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेस एंड ड्रॉ स्ट्रेस डायग्राम। मतलब कि यहां पर हमको एक बताया गया है कि एक स्क्वायर कॉलम है जिसकी दोनों साइड 300 mm मल्टीप्लाई बाय 300 mm उसका क्रॉस सेक्शन है जिसके ऊपर 150 kN लोड अप्लाई हो रहा है कंप्रेसिव लोड, और वो एसेंट्रिक पोजीशन मतलब कि जो सेंटर एक्सिस है वहां से 125 mm के ऊपर वो लोड अप्लाई हो रहा है। हमको यहां पर फाइंड करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम स्ट्रेसेस और उसका हमको स्ट्रेस डायग्राम भी ड्रॉ करना है। जैसे कि हमको यहाँ पर फिगर में दिखाई दे रहा है यहाँ पर 300 mm क्रॉस 300 mm का एक कॉलम है और यहाँ पर एसेंट्रिक लोड अप्लाई हो रहा है, जो यहाँ पर एरो आपको दिखाई दे रहा है वो 150 kN का लोड अप्लाई हो रहा है और जो डिस्टेंस है ई वो 125 mm है। सबसे पहले हम गिवन डेटा को मेंशन कर देते हैं, हमको यहाँ पर दिया गया है लोड 150 kN एसेंट्रिसिटी मतलब ई स्मॉल ई की वैल्यू आपको 125 mm दिया गया है, उसके बाद लेंथ और इन द सेंस दोनों एज जो सेम होगी वो 300 mm दी गई है,
चलिए हम सॉल्यूशन की ओर जाते हैं। सबसे पहले हम फाइंड करेंगे z इज इक्वल टू i अपॉन y। तो यहां पर i जो है वो हमारा bd क्यूब बाई 12 होगा, b 300 mm है, जो d है डेप्थ वो भी 300 mm है, और जो हमारा y है उसकी वैल्यू होगी 150। y की वैल्यू हम d बाय 2 कंसीडर करते हैं, तो जो d है हमारा इससे पहले हमने देखा 300 mm है, तो y की वैल्यू हमने 300 डिवाइड बाय 2 इज इक्वल टू 150 mm कंसीडर की। तो z की वैल्यू हमको यहां पर मिली 4.5 × 10⁶। अब हम फाइंड कर लेते हैं मोमेंट, जिसका फॉर्मूला है लोड इंटू एसेंट्रिसिटी। हमको लोड यहां पर दिया गया है 150, इसको हमने न्यूटन में कन्वर्ट किया, इसलिए 150 × 10³ मल्टीप्लाई बाय ई की वैल्यू 125। अब हम चलो सिग्मा मैक्स फाइंड कर लेते हैं। सिग्मा मैक्स की फॉर्मूला है पी अपॉन ए प्लस एम अपॉन जेड। हमने यहां पर वैल्यू पुट की, ई की वैल्यू पुट की 150 × 10³, एरिया स्क्वायर है तो एल स्क्वायर होगा 300 × 300 प्लस एम, इससे पहले हमने वैल्यू पुट की थी वहां पर पी इंटू ई, तो यहां पर हमने पी की वैल्यू 150 × 10³ मल्टीप्लाई बाय ई की वैल्यू 125 पुट की, और जेड इससे पहले वाले हमने इससे पहले हमने फाइंड किया 4.5 × 10⁶, तो हमको सिग्मा मैक्स मिला 1.66 प्लस 4.60 इज इक्वल टू 5.82 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर, जो कि कंप्रेसिव लोड होगा। हमको पॉजिटिव मिला है तो हम इसको सिग्मा मैक्स को कंप्रेसिव काउंट करेंगे। अब हम फाइंड कर लेते हैं सिग्मा मिनिमम, जो कि हमको क्वेश्चन में पूछा गया है। उसका फॉर्मूला है पी अपॉन ए माइनस एम अपॉन जेड। तो इससे पहले जो हमने इक्वेशन पुट की थी इसमें सिर्फ आपको साइन चेंज करनी है बीच में, इससे पहले जो सिग्मा मैक्स था उसमें पी अपॉन ए प्लस एम अपॉन जेड था, इसके अंदर उससे उल्टा पी अपॉन ए माइनस एम अपॉन जेड आप करोगे तो आपको सिग्मा मिनिमम मिल जाएगा। चलिए वैल्यू पुट करते हैं, हमको मिला 1.66 माइनस 4.60, सिग्मा मिनिमम हमको मिला माइनस 2.5 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर। अब इस केस के अंदर जो हमको माइनस साइन दिखाई दे रही है उसका मतलब है कि सिग्मा मिनिमम है वो फिगर के रेफरेंस लाइन के ऊपर अप्लाई होगा और उसका नेचर टेंसाइल होगा। चलिए हम स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ कर देते हैं। तो यहाँ पर आपको जो नीचे दिखाई दे रहा है हमने वापस स्ट्रेस डायग्राम ड्रॉ किया है, सिग्मा मैक्स जो के पॉजिटिव दिखाया गया है और जो सिग्मा मिनिमम है वो नेगेटिव दिखाया गया है। तो ये हमारा हो गया स्ट्रेस डायग्राम। आज के सेशन में जो हमने डिस्कस किया उसके रिगार्डिंग कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं, आप वीडियो को ध्यान से देखने के बाद उसको सॉल्व करने का ट्राई कीजिए। अगर आप उसकी MCQs बेस्ड एग्जाम देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दी गई है। थैंक यू।